Hi friends, I am Dr. Savyasachi Saxena, director and owner of Neo ENT Clinic, Indirapuram, Ghaziabad, also working in Fortis Hospital, Sector 62, Noida. Today I am going to talk about a very common topic, tonsillitis, tonsil ka infection. जो बहुत ही छोटे बच्चों की मदर्स एंड फादर्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है कि हमारे बच्चे को गले में बड़े रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं और जब भी मुंह खोलो तो बड़े बड़े उसके अंदर टॉन्सिल्स दिखाई पड़ते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले तो जानते हैं टॉन्सिल्स होते क्या हैं। टॉन्सिल्स बेसिकली जब हमारे एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे नादान होते हैं, कुछ पता नहीं होता, कहीं भी कुछ उठाया खा लिया, कहीं भी कुछ गिरा हुआ उठा लिया, दे डू नॉट हैव द सिविक सेंस राइट नाउ एट दैट एज। तो उनके लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। कैसे? जैसे ही बच्चा कुछ खाता है और अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ गंदगी है, कुछ माइक्रोब्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे को अफेक्ट करने वाली है, तो इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन ब्लड तक पहुँचे, सबसे पहले टॉन्सिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। टॉन्सिल्स उस फूड को असेस करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, वो तुरंत इसके अगेंस्ट मारने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बॉडी में बनाते हैं और वो तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं ताकि बॉडी को सेंस मिल जाए कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ खाना हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। एक्टिवेट हो जाता है तुरंत के तुरंत, वो जो बैक्टीरिया वायरस जो भी घुस रहा होता है किल हो जाता है और बच्चे की जो हेल्थ होती है सिक्योर हो जाती है। क्या होता है जब यह प्रोसेस बार बार हो जाता है? एक बार हो गया ठीक है, दो बार हो गया ठीक है, बट अगर यह प्रोसेस बार बार होता रहता है तो ये वाला सिस्टम वीक पड़ जाता है। होता क्या है कि कुछ ढीठ टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो टॉन्सिल्स को ही अपना घर बना लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, टॉन्सिल्स देमसेल्स बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। उन्हीं से इन्फेक्शन होने लगता है बच्चे को बार बार, कि ज़रा कुछ खाया नहीं, वो बैक्टीरिया वायरस वहाँ तुरंत एक्टिवेट हो गए और वही बॉडी में इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, बार बार हो जाना। उस केस में फिर इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? अगर टॉन्सिल्स इतने बड़े हो जाएं कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए या खाने में दिक्कत होने लग जाए, छोटे बच्चे होते हैं, बार बार हर दो तीन महीने में इन्फेक्शन हुआ चला जा रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, उस केस में थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है। और क्या वजह हो सकती है? बच्चा रात में जब सो रहा है, क्योंकि टॉन्सिल्स इतने बड़े हो गए हैं कि सांस प्रॉपर नहीं आती, बच्चा खर्राटे लेना शुरू कर देता है। अगेन, खर्राटे अगर लेगा तो इसका मतलब बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी सफिशियंट अमाउंट में होनी चाहिए, तो बच्चे के लिए हेल्थ पे हजार्ड्स हो सकते हैं इस तरीके के। कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं? सभी जानते हैं, खाने पीने की वजह से होता है, हाइजीन पुअर नहीं है, कहीं भी कुछ खा लिया, जनरली ठंडा खट्टा कोई भी ऐसा खाना जिसमें आर्टिफिशियल कलर मिले होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिले होते हैं, अगर बहुत रिपीटेडली खाया जाता है तो वो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकता है, गले के लिए हार्मफुल होता है। खाया उसके बाद गार्गल नहीं किया, ब्रश ठीक से नहीं किया, पानी प्रॉपरली नहीं पिया, तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। अब मैं आपसे कुछ टिप्स डिस्कस करता हूँ कि कैसे टॉन्सिलाइटिस को प्रिवेंट करा जा सकता है या जिससे बचा जा सकता है। पहली बात तो यही है कि जो भी इस तरह के फूड हैं जिनसे कि टॉन्सिलाइटिस होने की संभावनाएं हैं या गला खराब होने की संभावनाएं हैं, उनको अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम अच्छी बात है, बचपना है, खाएंगे ही बच्चे, बट उसको लिमिट में रखें और जब भी खाएं उसके बाद कोशिश करें कि जब भी खाना खाते हैं उसके बाद गार्गल ज़रूर करना है। खाने से पहले बच्चों को हाथ धोने की आदत डालिए, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं और हाथ धोने के साथ साथ गार्गल और कुल्ला भी करें। रेगुलर ब्रश करें, पानी खूब अच्छे से पिए, फ्लूइड लेना चाहिए अच्छे से, फ्लूइड की इनटेक अच्छी होनी चाहिए, पानी खूब अच्छे से पीते रहना चाहिए। अगर लगता है गला पकड़ ही लिया या गले में इन्फेक्शन शुरू हो गया है तो नमक पानी से गरारा इमीडिएटली करना शुरू कर दीजिए, मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन्हीं से आपकी बात बन जाती है। अगर लगता है कि इससे बात नहीं बन रही है, फीवर 101, 102 के ऊपर चल रहा है, गर्दन में कुछ स्टिफनेस आनी शुरू हो गई है या खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दो तीन दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट या डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर क्या करेगा ट्रीटमेंट उसमें? जनरली इनिशियली वायरल, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं टॉन्सिल्स के मोस्टली वायरल ही होते हैं, तो आपको पेन किलर दिए जाते हैं जिसमें क्रोसिन जैसी कॉमन सी दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं, कुछ एंटीहिस्टामीन्स होती हैं वो दी जाती हैं जिससे कि सर्दी जुकाम खांसी जो है वो कम हो जाए आपकी। इसके अलावा आपको गार्गल दिए जाएंगे, नमक पानी के अलावा कुछ मेडिकेटेड गार्गल्स होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन अगर जब लगता है दो तीन दिन इनसे भी बात नहीं बनी है तो फिर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
ये एंटीबायोटिक ओरल भी हो सकती हैं, और अगर लगता है कि पस प्रॉपरली बन चुका है, खाने पीने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, या पस एब्सेस जिसको बोलते हैं थोड़ा सा बन गया है टॉन्सिल्स में, तो आपको आईवी एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी पड़ सकती है अलॉन्ग विथ आईवी फ्लूइड। क्योंकि जैसे ही बच्चे का खाना पीना बंद होता है या किसी अडल्ट का खाना पीना बंद होता है, तब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। उन केसेस में आपको आईवी फ्लूइड और आईवी एंटीबायोटिक और आईवी पेन किलर्स देने पड़ते हैं। जनरली इससे बात बन गई, अच्छी बात है, लेकिन अगर लगता है कि यही प्रोसेस बार बार हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपको हर साल 4 से 5 बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो रहा है और जो कि 2 से 3 साल लगातार चल रहा है, या फिर बच्चे को सोने में दिक्कत हो रही है, रात को सोते समय खर्राटे लेने लग गया है बच्चा, या फिर अगर ऐसा लगता है कि खाना जो है रुक रहा है, बच्चा प्रॉपरली खा नहीं पा रहा है, टॉन्सिल्स का साइज इतना बड़ा हो गया है कि बच्चे को इन जनरल ही इन्फेक्शन ना होते हुए भी खाने की दिक्कत हो रही है, या फिर अगर ऐसा लगता है कि ये इसकी ग्रोथ में हैम्परिंग होनी शुरू हो गई, तो फिर इनको सर्जिकली निकलवाने की ज़रूरत भी पड़ती है। उसके लिए आप नियर बाई ENT सर्जन के पास जाएं, वो आपका हो सकता है कुछ एक्सरे, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ थ्रोट स्वैप टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, और अगर लगता है कि हाँ भी सर्जिकली पेशेंट को बेनिफिट दिया जा सकता है तो वो भी आपको सलाह दी जाएगी और उसको फॉलो करना चाहिए। अल्टीमेटली मैं यही बोलूँगा कि टॉन्सिल्स 70 से 80% टाइम्स सिर्फ परहेज़ करने से, कुछ डाइटरी प्रिकॉशन करने से, लाइफस्टाइल ठीक रखने से, बच्चों के हाइजीन इंप्रूव करने से ही इंप्रूव कर जाते हैं। उनको फॉलो कीजिए और अगर लगता है काम बन गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो नियर बाई डॉक्टर को संपर्क कीजिए और जो वो जैसा बताते हैं उनको फॉलो करें। थैंक यू।